सर, ये जो आज जो हादसा जो वाक़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि मैं तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति अगर होगा, कोई भी इंसान होगा, इसको अल्फाजों में बयान करना जो है मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आज हमारे एक केवल का हमने एक बहुत ही एक नौजवान बच्चा जो एक बहुत ही गरीब परिवार से था, जिसका नाम मोहम्मद शोएब था, जो लगभग 18 या 18.5 साल का था, तो आज सुबह जो है 7 बजे, क्योंकि वो कल से जो है अपने मामू के घर कंडी में गया हुआ था, तो सुबह 7 बजे वो पत्ते लेने के लिए जो है एक पेड़ पे चढ़ा। और आप देखते हैं कि हमारा, चाहे वो तहसील कोटरंका बुद्दल की कोई भी पंचायत आप ले लीजिए, कोई भी आप गांव ले लीजिए, आपको हर गांव में ऐसे मैं कहूँगा कि बिजली महकमा की लापरवाही की वजह से आपको ऐसे सबूत ज़रूर मिलेंगे कि जहाँ पे आपको हरे पेड़ों के ऊपर जो है हाई टेंशन वायर्स जो है नज़र आएंगी, जो बिजली की जो लाइनें होती हैं वो बिल्कुल हरे पेड़ों के ऊपर लगी होती हैं। तो उसी लापरवाही की वजह से जो आज नौजवान बच्चा है सुबह पत्ते काटते काटते जो है अपना जान बहक हो गया। और मैं कहूँगा कि सर, ये इतने गरीब परिवार से बच्चा है, इतने गरीब परिवार से कि इनके पास अपना बहुत ही छोटा सा घर है, और घर में कमाने वाला बाप इसका बीमार है काफ़ी, और कमाने वाला इकलौता ये बच्चा था कि जो 18 साल का था, जो ये काफ़ी काम कर रहा था अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनका रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो आज मैं कहूँगा कि बिजली महकमा ने जो है पहली बार लापरवाही नहीं की है सर, इनको हम बड़े अरसे से लगातार इनकी नोटिस में बातें ला रहे हैं कि भाई आप आइए, आप मौके पर आइए, अलग अलग पंचायतों का दौरा कीजिए और वहाँ जाके देखिए कि बिजली की लाइन्स का क्या, कितनी बुरी हालत है सर। लोगों ने जो लकड़ी के खंभे बना बना के जो सर तारें लगाई हुई हैं, और जो लकड़ी का खंभा तो छोड़िए, जो हरे पेड़ हैं, और सबसे अनफॉर्चुनेट है कि हरे पेड़ के ऊपर जो है हाई टेंशन तारे हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी वक्त जो है कोई भी ऐसा जो है इंसिडेंट जो है हो सकता है, और वही आज हुआ, और एक गरीब परिवार ने जो है अपना इकलौता रोजी रोटी कमाने वाला बच्चा जो है वो खो दिया। और बदकिस्मती की बात यह है कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना तो PDD डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अहलकार, उनका कोई भी ऑफिसर जो है मौके पे नहीं आया है। लिहाजा मैं कहूँगा कि एक तो उनकी गलती है, और ऊपर से इनको कंसोल करने के लिए भी नहीं आए, जो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इसको मैं कहूँगा कि क्रिटिसाइज करता हूँ इसको मैं, ये बहुत ही निंदनीय है। तो हम अपने तमाम लोगों की तरफ से, यहाँ केवल बुद्दल की आवाम की तरफ से, हमारा पूरा साथ, पूरा तावन इस परिवार के साथ है, और हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पे DC साहब से ये गुजारिश करते हैं कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है, अच्छा खासा एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है इस परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि इस परिवार का ये इकलौता बच्चा था, 18.5 साल का हेल्दी बच्चा था, नौजवान था, जिसने आज जो है बिजली वालों की लापरवाही की वजह से अपने